Hello everyone, myself Rajat Singh, welcome to Engineer Setta guys, I hope you all are good. Guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSSB JEE के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए अगर हमें एग्जामिनेशन को निकालना है, इस एग्जामिनेशन को फ्यूचर में देना है. आप सभी को पता है कि अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है DSSSB की, चाहे वो दिसंबर में आ जाए या जनवरी में आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉपर वैकेंसी के डिटेल भी दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में. साथ ही साथ ये भी कंफर्म है कि सिविल में लगभग 600 वैकेंसी हैं, राइट. तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन सभी को एक बात तो ध्यान में रखना होगा कि सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ना होगा. इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आपको टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से चलना होगा. जो जो सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है उस सिलेबस को आप कवर करते हुए चलें. इसमें आपके नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है. पेपर जो होंगे आपके दो टीयर में होंगे, पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, टीयर 1 टीयर 2. कई बच्चे बार बार एज के बारे में पूछ रहे थे, एज के बारे में पहले भी बता चुका हूँ यार, एज यहाँ पे 29 ईयर्स तक मांगी जाती है. 29 ईयर्स तक एज लिमिट यहाँ पर रखी जाती है. तो 29 साल के भीतर हो गए तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर सकोगे. और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो भी आपको वीडियो में बताया था मैंने. इस पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्रेटजी की बात करते हैं. सबसे पहले देखते हैं सिलेबस वन बाय वन कि क्या क्या हमें पढ़ना है. जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट इज एप्लीकेशन टू द सोसाइटी. द क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द करेंट इवेंट्स of such matter, everyday observation as may expected to begin. कुल मिला के यहाँ पे जो जो everyday situation, everyday problem, current events, ये सारे सारे portion लिखे हुए हैं जो कि science से, sports से, geography से, art and culture से, economics से, scientific research, national organization, international institution and polity. ये कुल मिला के आपको general awareness में, मतलब साधारण news होती हैं, आप news करंट इवेंट्स इन सब को पढ़ते रहिए, आपका ये पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा. कुल मिला के यहाँ पे करंट अफेयर वाला पोर्शन आपको स्ट्रांग रखना है, राइट. उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इन टॉपिक को पढ़ना है. सारे के सारे टॉपिक कुल मिला के यहाँ पे जितने भी रीजनिंग के SSC JEE के टॉपिक्स होते हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जाते हैं. तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है. फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ज़्यादातर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. वर्बल अर्थमेटिक रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जजमेंट वाले, ठीक, विजुअल मेमोरी वाले. तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 20 मार्क्स का जो वेटेज है टीयर वन में वो देखने को मिलेगा. इसी के बाद 20 मार्क्स के लिए आपको रीजनिंग के बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको मिलेगा जिसमें एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंशुरेशन, टाइम, वर्क, ये सारे क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट. मतलब यहाँ पे जो RRB JEE वाला सिलेबस था वो पूरा का पूरा सिलेबस है आपका. अगर आपने RRB JEE के लिए कभी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप समझ सकोगे. यहाँ पे वो पूरा का पूरा पोर्शन मैथ्स वाला यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये भी 20 मार्क्स का इसका वेटेज है. 20 मार्क्स के लिए आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर करना होगा, और ये भी 20 मार्क्स के लिए, और ये भी 20 मार्क्स के लिए. 60 नंबर हो गए. अब बचे हुए 40 नंबर जो है नॉन टेक के, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे बच्चे अभी इस समय UP SSSC या UP PSC AE के लिए तैयारी कर रहे होंगे. UP PSC AE या फिर UPPSC ही जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वहाँ से आपकी हिंदी के लिए प्रिपरेशन तो हो जाएगी, हिंदी वाली, अगर आप पढ़ रहे होगे तो. इंग्लिश आपको एडिशनल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. 20 नंबर का टीयर वन में आपको इंग्लिश का पोर्शन देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका हिंदी. कुल मिला के आपके 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है इस तरीके से. आपको 20-20 के सेगमेंट में आपको पेपर नॉन टेक्निकल का टीयर वन में, और टीयर वन में 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल का क्वेश्चन, नॉन टेक, टेक्निकल, ये आपको कंप्लीट मिलता है. टेक्निकल में आपका देखिए टोटल आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के. अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के.
टेस्ट ऑफ हिंदी एंड कम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इसमें भी 20 20 मार्क्स के सेगमेंट्स होंगे, 5 सेगमेंट होंगे कुल मिला के आपके पास, 5 सेगमेंट यहाँ, 5 सेगमेंट, 10 सेगमेंट होंगे। एक को सबमिट करोगे, दूसरे पे जाओगे, दूसरे को सबमिट करोगे, तीसरे पे जाओगे। 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट 20 के क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, उनको सबमिट करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ही पेपर में आप 10 बार पेपर को सबमिट करते हो, फिर नेक्स्ट खुलता है 20 क्वेश्चन का स्लॉट। नकल वगैरह को रोकने के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे कि नकल वगैरह कम हो सके। टेक्निकल में आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं एसएससी जेई से रिलेटेड, उसमें से कुछ सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जैसे कि सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, सर्वे के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। सर्वेइंग के तो क्वेश्चन भर भर के आएंगे आपको, ये ऑब्वियस सी बात है। और इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे इसमें, बिल्डिंग मटेरियल ध्यान रखिएगा, RCC, सर्वे, ये सब जो चैप्टर बोल रहा हूँ ना, इन सब चैप्टर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इरिगेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो यहाँ पे ये इन पोर्शन को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से पढ़िए डिटेल्ड, प्रॉपर एनालाइज करके, कि किस किस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ, उस पेपर को देख के आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा। अभी रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुए थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ डेली इसी चैनल पे शाम को 6 बजे, तो उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ना ही लेंदी होंगे, आपको वन लाइनर ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, देखते के साथ आपको आंसर पता होगा तो कर सकोगे। कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन सॉल्व भी करने होंगे, लेकिन ओवरऑल पेपर जो होगा वो आपका वन लाइनर क्वेश्चंस होगा, जिसमें आप डायरेक्टली आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे, राइट। अब जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है स्टडी की, जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग, नॉन टेक पोर्शन, टेक्निकल पोर्शन थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत ज़रूरत है, तो वो तो प्रैक्टिस करिए, अपने क्वेश्चंस को लगाइए। जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट की नीड है वो क्लासेस भी कर सकते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अभी आपके लिए, एक सर्वेइंग की पूरी फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे मैं देने जा रहा हूँ कल से 10 बजे सुबह, यानी कि 26 तारीख से, 26/11/2021 मॉर्निंग में 10 AM यूट्यूब पे। उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगी जो UP SSSC के एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, DSSSB एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, SSC JEE और UPPCL। NHPC को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई एग्जामिनेशन की, कहने का मतलब है वो 10 बजे मॉर्निंग में यूट्यूब चैनल इंजीनियर सड्डा पे हाजिर रहिए। 10 बजे से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्वेइंग जो है मैं आपको कराऊंगा, है ना। बेसिक टू एडवांस सीरीज का नाम होगा, सर्वेइंग Lecture 1 से स्टार्ट होगा, Lecture N तक जाएगा, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। तो इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए, ये तो रही फ्री वाली बात। सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सिस्टमेटिक वे में, सारे सब्जेक्ट अगर आपको करने हैं तो आप पेड क्लासेस आपको लेना जरूरी है, पेड क्लासेस आपको लेना पड़ेगा। पेड क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और उसके लिए भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ जिसमें टेस्ट सीरीज और क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वो भी बता देता हूँ। ये Tier 1 का था पूरा सिलेबस जो बताया, ये Tier 1 का था। Tier 2 में आपका टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, नॉन टेक में केवल इंग्लिश आपको पढ़ना होता है, ठीक है, वो आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया हूँ। तो टेक्निकल का पोर्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, नॉन टेक 200 नंबर का ही पेपर होता है वो भी, ठीक है। अब Tier 1 क्लियर करोगे तो Tier 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए, समझिएगा, यहाँ पे जो भी आपका, जो भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आज से करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है कि 2 महीना पहले से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नोटिफिकेशन मान लीजिए दिसंबर में या जनवरी में कभी भी आता है,
हर बार ये पूछते हो नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं बता दूंगा। मान लो कि जनवरी में ही आता है नोटिफिकेशन, लेकिन जनवरी में नोटिफिकेशन आने के एक महीने बाद एग्जामिनेशन होंगे, तो क्या एक महीने में पूरे सब्जेक्ट कवर कर पाओगे? इस बात को सोचिएगा, उसी हिसाब से पढ़िए, अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर आपको लगता है कि अभी से पढ़ना है तो बहुत सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जो अभी रिसेंटली बैचेस में कराए गए हैं आपके टेक्निकल के, उन सब्जेक्ट को वहाँ से देखिए, जल्दी कवर कीजिए। और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो आने वाले बैचेस होंगे, वो सब कुछ इसमें मिलेंगे। जो नई क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस आएंगी, जो चल रही हैं, इसमें सब कुछ सारे के सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं। इसको सब्सक्रिप्शन ले लो, इसमें आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए जैसा लिखा हुआ है, ऑल AJEE एग्जाम्स की क्लासेस जो होंगी वो मिलेंगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही। नॉन टेक्निकल में जो भी पोर्शन आ रहा है वो सब मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको हर एग्जामिनेशन की, चाहे SSC JEE की बात करो, या DSSBJEE की बात करो, या UPPLJEE की बात करो, या NHPC की बात करो, या AE एग्जामिनेशन की बात करो, UPPSC AE की बात करो, किसी भी एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज। ई बुक्स भी आपको मिल जाती हैं, हालांकि नोट्स आपके इतने सफिशियंट हो जाएंगे क्लास नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल है ई बुक्स भी। जितने भी ओल्ड बैचेज हैं वो मिल रहे हैं, अपकमिंग बैचेज जो आएंगे वो भी मिलेंगे। जितने मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 महीने वाला अवेलेबल है 2900 रुपये में, 12 महीने वाला 3500 रुपये में। कैसे मिलेगा? Ada247 के एप्लीकेशन से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ से। परचेज करने से पहले ये जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है Y293, इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तभी इस प्राइस में आपको ये बैचेज मिलेंगे। इस कूपन कोड से आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाता है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ से परचेस करेंगे। तो एप्लीकेशन पे जाओगे तो एप्लीकेशन से इसमें 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है जब आप यूज़ करते हो ये कोड Y293 कोड, राइट? तो गाइज इस बात को याद रखिएगा, जाइए फटाफट और परचेस कीजिए, क्लासेस स्टार्ट करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ यही कहूँगा कि आज से पढ़ना शुरू सोच रहे हो तो अभी से शुरू कर दो, वेट मत करिए वैकेंसी का, ठीक है? ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइज।